हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को अम्ब्रेला कट सूट की कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 3 मीटर फैब्रिक लिया है। इससे जो है पहले मैं बॉडी पार्ट निकालूंगी, इनके बाद बॉटम पार्ट निकालूंगी। बॉडी पार्ट के लिए मैंने छोटा पीस यानी छोटा फैब्रिक भी यूज़ कर रही हूँ। देखिए, ये मेरा छोटा फैब्रिक है, इसको जो है पहले अच्छा से फोल्ड कर लेना है। देखिए, मैं फ़ोल्ड करना भी बता रही हूँ। इसको पहले इस तरह से 2 फोल्ड करना है, ओपन वाली साइड से 2 फोल्ड करना है। इनके बाद इसको 4 फोल्ड कर लेना है। तो इधर ओपन वाली साइड है और इधर जो है वो फोल्ड वाली साइड है। हमें मेज़रमेंट फोल्ड वाली साइड से करनी है, इधर ओपन वाली साइड से नहीं करनी है। इसकी लेंथ जो है, लेंथ मैं यहाँ पे 15 इंचेस रखी हूँ। अब यहाँ से मैं शोल्डर लूँगी, शोल्डर यहाँ पे 6.5 इंचेस लूँगी इस तरह से। और यही से आर्म होल भी मुझे 6.5 इंचेस ही लेना है और यहाँ पे भी निशान को लगा लेना है। अब यही से मैं बस्ट लूँगी। बस्ट आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, आपका जितना भी हो। उसमें जो है 2 इंच ऐड कर लेंगे मार्जिन के लिए। आप 2 इंच भी ले सकते हैं या फिर 1.5 इंचेस भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 इंच ऐड करूँगी मार्जिन के लिए। तो देखिए, मेरा यहाँ पे टोटल आएगा यहाँ पे 10.5 इंचेस मार्जिन ऐड करके मुझे 10.5 इंचेस लेना है। और यही से कमर लेना है, कमर भी आपको अपने हिसाब से ले लेना है। मैं यहाँ पर लूँगी मार्जिन जोड़ के यहाँ पर 9.5 इंचेस और यहाँ पे निशान को लगा लेना है। और यहीं से जो है यहाँ तक आने के बाद आपको आधा करना है, हाफ करना है और यहाँ पे एक निशान को लगा लेना है। और यहीं से जो है आर्म होल का निशान को लगाना है 1.5 इंचेस पे। निशान को देते हुए 1.5 इंचेस पे इस तरह से आर्म होल का शेप को ड्रॉ कर लेना है और 1.5 इंचेस अंदर करते हुए फ्रंट के लिए। और यहीं से मैं नेक वर्थ लूँगी 3 इंचेस और नेक डिप जो है यहाँ पर मैं 6.5 इंचेस लूँगी इस तरह से, जो मेरा फ्रंट के लिए है। इस तरह से 6.5 इंचेस मेरा फ्रंट के लिए है। अब बैक के लिए मैं बैक में डिज़ाइन दूंगी, तो मैं यहाँ पे 3.5 इंचेस पे निशान को लगाऊंगी और यहाँ पे राउंड शेप दे दूंगी। फ्रंट के लिए मेरा राउंड शेप है और यहीं पे 1/2 इंच नीचे को करते हुए डाउन कर दूंगी और यहाँ पे निशान को लगा लूँगी। और कटिंग भी कर लेनी है। कटिंग मैं पहले बैक नेक और बैक आर्म होल के हिसाब से कटिंग करूँगी। तो देखिए, बैक नेक और बैक आर्म होल के हिसाब से इसकी कटिंग को कर लेनी है। इनके बाद फ्रंट आर्म होल और फ्रंट नेक की कटिंग को बाद में करनी है। और यहीं पे मैं 1/2 इंच या 1 इंच ऊपर को कर लूँगी और यहाँ पे निशान को लगाते हुए इसे भी काट के निकाल लेना है। और एक फैब्रिक को यहाँ से निकाल लेंगे और फ्रंट के लिए जो हम लोग निशान लगाए थे इसमें भी कटिंग को कर लेनी है। फ्रंट नेक की पहले कटिंग करनी है, इनके बाद आर्म होल की करनी है। तो देखिए, ये बॉडी पार्ट बनके तैयार हो गया है। अब बैक के लिए नेक में जो मैं डिज़ाइन दूंगी, इसके लिए मैं यहाँ पे पहले 1 इंच पे एक निशान को लगाऊंगी। आप चाहे तो डिज़ाइन दे सकते हैं या फिर नहीं भी दे सकते हैं। और यहीं से मैं यहाँ पे 5.5 इंचेस पे निशान लगाऊंगी और यहीं से 3.5 इंचेस पे इधर से निशान लगाऊंगी और यहाँ पे नेक का शेप को ड्रॉ कर दूंगी। नेक का डिज़ाइन आपको अपने हिसाब से रखना है। डिज़ाइन चाहते हैं तो डिज़ाइन रखना है, नहीं चाहते हैं तो आप सिंपल भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पर डिज़ाइन देती हूँ। तो देखिए, इस तरह से इसकी भी कटिंग हो गई है। अब जो है बॉटम पार्ट को निकालना है, तो बॉटम पार्ट के लिए इसको भी पहले 2 फोल्ड कर लेना है। देखिए, इस तरह से इधर जो है ओपन वाली साइड है और ओपन वाली साइड से ही मुझे जो है इसको इस कॉर्नर को, एक कॉर्नर को पकड़ते हुए दूसरे कॉर्नर की तरफ इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए अच्छा से सेट कर लेना है। तो देखिए, इस अच्छा से सेट कर लिए हैं। इधर जो है ओपन वाली साइड है, देखिए ओपन वाली साइड इधर है और दूसरी तरफ को मेरी फोल्ड वाली साइड है। जिधर हम लोग का फोल्ड वाली साइड है, इसी तरफ को मुझे बॉडी पार्ट को लेना है और बॉडी पार्ट का भी फोल्ड वाली साइड को फोल्ड वाली साइड की तरफ को रखना है, अच्छा से सेट करना है और यहाँ पे निशान को लगाना है। तो देखिए, इस तरह से कमर का निशान को लगा लेना है। और लेंथ जो है, लेंथ को भी आपको अपने हिसाब से रख लेना है। आप जितना भी रखना चाहें इसी हिसाब से आपको भी लेंथ को रख लेना है। मैं अपने हिसाब से रखती हूँ। अगर आपको ज़्यादा लॉन्ग पसंद है तो आप ज़्यादा लॉन्ग रखिएगा और अगर कम पसंद है तो कम रखिएगा। और यहाँ पे मैं कॉर्नर को इस तरह से शॉर्ट करूँगी, आप कॉर्नर को अपने हिसाब से रख लीजिएगा। मैं कॉर्नर को थोड़ा सा शॉर्ट करते हुए इसकी कटिंग को करूँगी। तो देखिए, इसकी कटिंग भी हो गई है। यहाँ पे 2 पार्ट निकला है। देखिए, इस तरह से मेरा बॉटम पार्ट है और इसी में मैं बॉडी पार्ट को रख के आप लोग को दिखा रही हूँ। तो देखिए, ये मेरा बॉडी पार्ट है।
अब जो है यहाँ पे स्लीव्स को निकालना है, तो स्लीव्स को भी इसी तरह से टू फोल्ड किया हुआ है, इसको भी फोर फोल्ड कर लेंगे। इधर जो है ओपन वाली साइड है स्लीव्स का भी, देखिए इसी तरह से जैसे हम लोग बॉडी पार्ट को किए थे इसी स्लीव्स को भी सेट करना है। और इधर फोल्ड वाली साइड है, अब जो है इसमें भी मेजरमेंट हमें फोल्ड वाली साइड से ही करनी है। तो इसकी लेंथ जो है पहले आर्म होल लेंगे, यहाँ पे अपने सूट को लेना है और आर्म होल का मेजरमेंट देखना है कि हम लोग का आर्म होल कितना है। तो यहाँ पे आया है 9 इंच, तो यहाँ पे 9 इंच फिक्स है। तो यहाँ पे मैं 1 इंच जो है यहाँ पे पहले निशान को लगा लूँगी, क्योंकि मेरा कपड़ा आगे पीछे है। इनके बाद मैं स्लीव्स की लेंथ लूँगी, तो स्लीव्स की लेंथ भी आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। यहाँ पर मैं स्लीव्स की लेंथ रखूँगी यहाँ पर 11 इंचेस, और आप अपने हिसाब से लेंथ को लेना है आपको, आप जितना भी रखना चाहें। यहाँ पे भी 11 इंच पे निशान को लगाते हुए यहाँ पे स्ट्रेट लाइन दे दूँगी, और यहाँ पे जो है 3 इंचेस पे इस तरह से मार्क करूँगी। और इसमें भी जो है इधर को मैं 2.5 इंचेस पे निशान को लगाऊँगी, और स्लीव्स का शेप को इस तरह से मुझे को ड्रॉ कर लेना है। और यहाँ पर बॉटम लेना है, बॉटम में यहाँ पर 4.5 इंचेस लूँगी, और 2 इंच मैं यहाँ पे ऐड कर लूँगी मार्जिन के लिए। देखिए इस तरह से 2 इंच ऐड करना है मार्जिन के लिए। तो इसका भी मेजरमेंट हो गया है, कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे मिडिल में कट को लगा लेना है और इसे ओपन करना है। ओपन करके हमें फ्रंट जो है फ्रंट साइड के लिए 1/2 इंच अंदर करते हुए निशान को लगाना है, और इसकी भी कटिंग को कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पे मैं निशान को लगा चुकी हूँ और इसकी भी कटिंग को कर लेनी है। तो देखिए ये हम लोग का आया फ्रंट के लिए, ये निशान मैं इसलिए लगाती हूँ ताकि सिलते वक्त हमें याद रहे कि ये हम लोग का फ्रंट वाली साइड है। बॉडी पार्ट का नेक के लिए मुझे स्ट्रिप को निकालना है, तो बॉडी पार्ट को इस तरह से टू फोल्ड कर लेंगे, और यहाँ पे टुकड़ा फैब्रिक जो है एक टुकड़ा फैब्रिक को लेंगे और इसको इस तरह से सेट करते हुए इसमें ही मुझे स्ट्रिप को निकाल लेना है। तो देखिए इस तरह से फोल्ड वाली साइड से इसके ऊपर को रखेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे तिरछी पट्टी को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इससे शेप ज़्यादा अच्छा आता है। तो देखिए इस तरह से इसकी भी कटिंग को कर लेनी है। मैं सिर्फ फ्रंट नेक के लिए दिखा रही हूँ, आप बैक नेक को अपने हिसाब से बना लीजिएगा। आपका डिज़ाइन हो तो डिज़ाइन के हिसाब से, और अगर सिंपल हो तो सिंपल के हिसाब से। तो देखिए इस तरह से इसके ऊपर को स्ट्रिप को रखना है और किनारे में सिलाई को लगा लेनी है। तो देखिए इस तरह से किनारे में पूरे में किनारे में सिलाई को लगा लेनी है। तो देखिए मैं इसमें किनारे में सिलाई को लगा चुकी हूँ, और इसको इस तरह से दूसरी तरफ को फोल्ड करना है। और इसमें डबल स्टिच भी आप कर सकते हैं, डबल स्टिच आप किनारे में लगा सकते हैं। तो मैं लगा चुकी हूँ, आप भी लगा लीजिएगा। और यहाँ पे मैं अब बॉटम पार्ट को लगाऊंगी। तो देखिए इस तरह से बॉटम पार्ट को लेना है और इसके ऊपर में बॉडी पार्ट को रखना है। तो बॉडी पार्ट का राइट साइड को जो है इस तरह से नीचे को रखना है, और रॉन्ग साइड को जो है ऊपर को रखना है, और इस तरह से पूरे में सेट कर लेना है। देखिए इस तरह से मैं इसमें सेट कर चुकी हूँ, और दोनों तरफ को इसी तरह से सेम प्रोसेस से कर लेना है। अब बॉडी पार्ट को जो है इस तरह से शोल्डर को जॉइंट कर लेना है, दोनों को इस तरह से जॉइंट कर लेना है। और यहाँ पे आप डोरी हुक जो भी आपका मनचा है वहाँ आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे शोल्डर को भी जॉइंट कर चुकी हूँ। अब ये जो स्लीव्स है फ्रंट पार्ट जो निशान लगाए थे इसे फ्रंट पार्ट के तरफ को रखना है, और बैक पार्ट में जो हम लोग कोई निशान नहीं लगाए थे इसे बैक पार्ट के तरफ को रखना है, और इस तरह से इसमें स्लीव्स को भी जॉइंट कर लेना है, दोनों तरफ का स्लीव्स को जॉइंट कर लेना है। तो देखिए मैं स्लीव्स को भी जॉइंट कर चुकी हूँ। तो देखिए इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए इसमें भी स्टिच को कर लेनी है, दोनों स्लीव्स का ही स्टिच कर लेनी है। इनके बाद यहाँ पर बॉडी पार्ट में फिटिंग की स्टिच को करनी है। तो देखिए यहाँ पे मैं बॉडी पार्ट में भी फिटिंग की स्टिच को कर चुकी हूँ, और स्लीव्स में भी फिटिंग की स्टिच को लगा चुकी हूँ। और इसे मैं आप लोगों को सीधा करके भी दिखा रही हूँ। देखिए तो देखिए इसे इस तरह से सीधा कर लिए हैं, और ये इसमें मैं फिटिंग की
स्टिच कर चुकी हूँ। और यहाँ पे जॉइंट जो लगाए हैं यहाँ पे मुझे एक स्ट्रिप को यूज़ करना है। और यहाँ पे मिडिल में मुझे पहले एक निशान को लगा लेना है। यहाँ पे मैं डोरी डालने के लिए एक स्ट्रिप को यूज़ करूँगी। तो देखिए निशान लगा लिए हैं मिडिल में, एकदम मिडिल में निशान को लगा लेना है। और मैं एक स्ट्रिप को निकालूँगी। देखिए इस स्ट्रिप को मैं काट के निकाल चुकी हूँ। इसकी जो है लेंथ वो 1.5 इंचज़ है। देखिए इस तरह से 1.5 इंचज़ का स्ट्रिप को निकालना है। और यहाँ पे जो है पहले इधर फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेनी है। देखिए इस तरह से फोल्ड करते हुए दोनों तरफ को ही स्टिच कर लेनी है। और यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करना है। इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस निशान के ऊपर में जो है इसको रखेंगे और पूरे में ऑल ओवर सिलाई को लगा लेंगे। इसी तरह से फोल्ड करते हुए पूरे में ही सिलाई को लगानी है। अपने सूट में चारों तरफ से सिलाई को लगा लेनी है। तो देखिए इसमें मैं दोनों तरफ को ही जो है वो फोल्ड करते हुए सिलाई को लगा चुकी हूँ। इस तरह से निशान के ऊपर को रखना है। पहले एक फोल्ड इस तरह से करना है। देखिए इस तरह से एक फोल्ड करना है और यहाँ पे जॉइंट के ऊपर में मुझे रखना है और सिलाई को लगानी है। इसी तरह से फोल्ड करते जाना है और सिलाई को लगाते जाना है। तो देखिए एक ही तरफ को इसी तरह से फोल्ड करेंगे और पूरे में ही इसी तरह से सिलाई को लगाते जाएंगे। तो देखिए यहाँ तक लास्ट तक आने के बाद इसमें भी इसी तरह से सिलाई को लगा लेनी है। देखिए यहाँ पे डबल स्टिच कर लेंगे और ऊपर में जो है इस तरह से फिर से एक फोल्ड करेंगे और इसमें भी पूरे में इसी तरह से सेम प्रोसेस से सिलाई को लगा लेनी है। ठीक है, इसी तरह से पूरे में जो है फोल्ड करते जाना है, इसमें भी सिलाई को लगाते जाना है। तो देखिए यहाँ तक आ जाने के बाद यहाँ पे भी डबल स्टिच कर लेंगे ताकि हम लोग का सिलाई बाद में नहीं खुले। और इसे भी काट के निकाल लेना है। तो देखिए इस तरह से स्ट्रिप को लगा लिए हैं। अब डोरी में हमें इस तरह से पिन को डालना है और इसके अंदर में डालते हुए इसको इस तरह से खींचना है और पिन को डालते जाना है। तो देखिए इसी तरह से पूरे में पिन को अंदर डालते हुए इसको निकाल लेना है। तो देखिए पिन को निकाल लिए हैं। यहाँ पे पहले मैं एक जॉइंट लगा लेती हूँ और इसको इस तरह से खींचना है अच्छा से और अच्छा से सेट करना है। तो देखिए इसे इस तरह से खोल के मैं भी दिखा रही हूँ। और यहाँ पे नीचे में जो है नीचे में इस तरह से फोल्ड करना है पूरे में ही और सिलाई को लगा लेनी है। तो देखिए यहाँ पे फोल्ड करते हुए यहाँ पे सिलाई को लगा चुकी हूँ। देखिए पूरे में सिलाई को लगा चुकी हूँ। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ ही घंटे का ऑल पे भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि हर नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन को सबसे पहले पा सकें।